मोदी तो कह रहे हैं कि ये सबको एक लाख रुपए खाते पर भेज रहे हैं, है। खाते पर आज तक खाते खत्म हो गया उसका अरे जितना मोदी जी ठग रहे हैं तो मोदी जी जानते हैं जनता जानता होगा कबार का क्या ठग रहे हैं एक एक लाख रुपया खाता में भेजेगा दस दस हजार भेजेगा ये दो लाख सत्तर हजार घर का मिलेगा नहीं एक भी नहीं टीवी में सब उस टाइम बता रहा था ना जिस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था आ एक सब खत्म हो गया कोई नहीं है दस रुपया भी नहीं भैया अच्छा हम लोग दाही हम लोग जमा किए कागज जमा किए और वो भी जाके कागज खत्म कर दिया नहीं दिया पैसा हम लोग का छह छह हजार रूपया था हाँ तो अब जो है नेता भी यहाँ पर आए उनको भी आपने नहीं कहा कि पानी जो है वो हमारी दिक्कत है नीतीश जी के विधायक जो है वो नहीं आए सरा नहीं। कोई देखने भी नहीं आया तो किसो का देखने आइएगा तब ना बताएंगे अभी देखने आया तब ना हम कह रहे हैं आपका आप तो देखे तब ना हम बोले हैं जे हाँ ये देखिए हमको ये ये अवस्था यही घर है यही हमारा खेत है ये सब देखिए एक महीने से ऊपर जो है एक महीने से ऊपर का समय हो गया है और एक महीने से ऊपर का समय होने के बाद में भी ये पानी जो है वो ऐसे कैसे खड़ा है सरकार ने इस पानी को निकालने के लिए कुछ नहीं किया है हाँ चावल जो है ये जरूर बता रहे हैं ईमानदारी से कि सरकार की तरफ से जो है वो खाने के लिए चावल जरूर मिले लेकिन सवाल ये है कि इस जमीन का जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो मुआवजा क्यों नहीं मिला और सवाल ये है कि इस जमीन का जो पानी निकालना चाहिए था ताकि ये लोग जो है अपनी इस फसल को बचा सके और दूसरी फसल जो है वो तैयार कर सके अब दूसरी फसल कितना

इधर से इसे बीमारी फैल रही है पानी से पानी से बीमारी भी हो रहा है और ये मकानों में भी नुकसान होगा इधर मकान भी है ये ये सब का पानी चढ़ा हुआ था देखिए इसके लिए न्यू में भी जो है पानी जाएगा मकान की न्यू में भी हाँ, हाँ। जार। जार। जा वो जो लाल दिखाई देता है हाँ। वो लाल वाला दिखाई दे रहा है वो पानी हाँ, हाँ। था पानी था वो उधर तक पानी था हाँ ये लाल वाला जो है ईटा के ऊपर उसमें पानी ये क्रोनोलॉजी को आप समझने की कोशिश कीजिए सरकार जो है वो दावा करती है की हमने जो है किसानों को गेहूँ बांट दिया ये सरकार की क्रोनोलॉजी है आप समझने की कोशिश कीजिए सरकार कहती है कि गेहूं बांट दिया लेकिन गेहूं कितने रुपए का होगा हजार या पांच सौ रुपए का हजार या पांच सौ रुपए का गेहूं देकर के सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर इस पानी को निकाल देते तो ये कितने हजार रुपए की फसल हो जाती और दूसरा इस पानी को निकाल देते तो जो दूसरी फसल होनी है गेहूं की फसल वो भी हो जाती हो जाता। तो कितने हजार रुपए का कितने हजार हम लोग का हो जाता पांच सौ रुपए की राहत दी और दस हजार ले गया चल गया लाख रुपए का जो है नुकसान हो नुकसान हो गया तो ये चीजें आप समझ रहे हैं की खूब समझ बुद्धू बनाया जाता है आप क्या करे अब अपना से पानी निकलने वाला है जो हम लोग निकाल ले नहीं वो ऐसा कोई जले पुलिया नहीं बनेगा चाहे कोई सुखता नहीं यहाँ के लोग बनवाएगा ये आपके लोगों के साथ में नहीं सबके साथ में ये दिक्कत है सबके साथ में है उधर से तो पूछिए अब, अब की चुनाव में क्या देख रहे हैं क्या लोगों में माहौल है माहौल है एकदम कांग्रेस को देंगे हम लोग क्यों कांग्रेस को देंगे वो, बस वो वो सरकार था जब था ना लालू प्रसाद तो ऐसा हम लोग का बेगाड़ी बैठा नहीं था तो अब की नीतीश कुमार का तीर नहीं चलने वाला नहीं हम लोग का यहाँ नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा देखिए ये लोग जो है खेती किसानी करने वाले लोग हैं इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है किसी की राजनीति से लेकिन साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार जो है वो नीतीश कुमार की जो हालत है वो खराब है ये बताइए कि गांव की जो औरतें हैं आप लोग जो हैं क्या माहौल है इस बार चुनाव को लेकर के आप लोगों में चर्चा क्या है भाई नीतीश का जो है जोर दिख रहे हैं पंजे वाले का हाथ छाप का जो है वो जोर दिख रहा है किसका जोर है लोगों में लो बात चल रही है किसकी के? बात है पांज छाप का तो हम लोग का है कि बहुत दिक्कत हुआ है हम लोग के अच्छा अच्छा ये आपके इधर ये लॉकडाउन हुआ लोग फंस गए थे आपके गांव में भी लोग जो है पैदल पैदल आए होंगे बाहर से बहुत आया है बहुत आया है बहुत आया है हाँ तो उस बात से जो है सरकार के लिए क्या कह रहे हैं लोग की सुविधा मिली कि नहीं मिली कोई कोई सुविधा नहीं मिली पैदल ही लोग आया पैदल आया कोई सुविधा नहीं किसी का खर्चा नहीं मिला किसी का पैसा नहीं मिला लेकिन मोदी जी कह रहे हैं पोस्टर लगाया जगह जगह पर हमने जो है प्रवासी मजदूरों को जो है उनके घर तक पहुँचाया अरे मोदी तो कह रहे हैं की ये सब को एक लाख रूपया खाते पर भेज रहे हैं खाते पर आज तक खाते खत्म हो गया उसका अरे जितना मोदी जी ठग रहे हैं तो मोदी जी जानते हैं जानते जानता होगा मोदी जी ठग रहे हैं तबार का क्या ठग रहे हैं एक एक लाख रुपया खाता में भेजेगा हाँ। दस दस भेजेगा। एक दो सत्तर हजार भेजेगा ना जिस टाइम लोग टाइम लगा हुआ था हाँ। आ एक सब खत्म हो गया कुछ भी नहीं तो, तो, तो आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो है वो एक एक लाख रुपए का वादा किया था लेकिन भेजा नहीं कोई नहीं दस भी नहीं भेजा अच्छा हम लोग दाही हम लोग जमा किए कागज जमा किए और वो भी जाके कागज खत्म कर दिया नहीं दिया पैसा हम लोग का छः हजार रुपया था मिलता था हम लोग का मान तो ये आप लोग यहाँ पर तीन चार लोग जरूर है लेकिन ये बात जो है जो आपके दिल में है या जो बात आप कह रहे हो वो गांव देहात में है यही बातें हाँ उससे पूछ लीजिए आगे आगे वाला गाँव से पूछ लीजिए पूरा देखिए ये है हालात हम कोशिश करेंगे कि गाँव की उस तरफ जाकर भी कुछ लोगों से बात करें लेकिन मोटा मोटी आप बात को समझ जाइए पानी भरा हुआ है पानी नहीं निकाला गया है उसकी वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है और सरकार ने जो दावे वादे किए यहाँ पर साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो कह रहे हैं कि एक एक लाख रुपए जो है एक एक लाख रुपए जो है वो खाते में भेजे हैं लेकिन दस दस रुपए भी जो है किसी के खाते में नहीं आए हैं मोदी जी हो चाहे नीतीश कुमार हो दोनों को लेकर के जो है गांव की जनता में जो है वो खास करके गुस्सा है और इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपको ग्राउंड रिपोर्ट चाहिए अगर आपको गांव के लोगों से अगर आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगी कि जमीनी सच्चाई जो है वो क्या है ये लोग किसी पार्टी के लोग नहीं है और हालात जो है वो सामने है वो बताने के लिए काफी है कि यहाँ पर जमीनी हालात क्या है और लोगों का कितना नुकसान हुआ है और इसी नुकसान को देखते हुए लोग इस बार जो है वो नीतीश कुमार के तीर को जो है वो काटने की जो है वो बात कह रहे हैं इस बार किसकी सरकार बिहार में बननी चाहिए आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें साथ में जो बेलाइकन बनी हुई जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं धन्यवाद इस खबर को अभी लाइक करें शेयर करें अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाए